दोस्तों वेलकम टू हॉरर किस्से, जहां आपके फेवरेट यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज सुनाते हैं आपको अपनी हॉरर स्टोरीज। पर आज के हमारे गेस्ट थोड़े एक्स्ट्रा स्पेशल हैं, क्योंकि ये ना ही सिर्फ आपके बल्कि हमारे भी फेवरेट हैं। सो ऑन पॉपुलर डिमांड, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन खूनी मंडे आ रहे हैं थोड़े से ट्रिगर्ड, थोड़े से इंसान। प्लीज वेलकम निश्चय उर्फ ट्रिगर्ड इंसान। क्या आप लोग भूतों में विश्वास करते हैं? हाय गाइस, दिस इज ट्रिगर्ड इंसान एंड आज मैं आया हूँ आपके फेवरेट हॉरर स्टोरी टेलर खूनी मंडे पे टू टेल अ वेरी स्केरी स्टोरी। एंड मैं ये स्टोरी बहुत सीरियसली सुनाने वाला हूँ, एटलीस्ट आई विल ट्राई। ये किस्सा निश्चय के साथ तब हुआ था जब वो क्लास 11th में पढ़ रहे थे। तो चलिए सुनते हैं निश्चय की ट्रिगर्ड हॉरर कहानी उन्हीं की जुबानी। स्कूल की वो रात, ये तब की बात है जब मैं 11th क्लास में था। मेरा एक बेस्ट वाला फ्रेंड था उस टाइम, उसका नाम था दिवेश। तो दिवेश काफ़ी पढ़ाकू टाइप का था और टीचर्स पर उसका इम्प्रेशन भी काफ़ी सही था। साथ ही दिवेश हाउस प्रीफेक्ट भी था, वही प्रीफेक्ट जो बच्चों को असेंबली के टाइम लाइन में लगवाते हैं और कॉरिडोर खाली कराते हैं, हाँ वही। एक दिन स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन हो रहा था और शाम का टाइम था, मौसम एकदम ऐसा ना बारिश वाला था। हम ऊपर अपनी क्लास 11th ए में बैठ के चिल कर रहे थे और उतनी देर में अचानक से बारिश शुरू हो गई। तो बात करते करते में देवेश स्पूकी सी बातें करने लगा। हम एक्चुअली स्कूल के एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसके बारे में पूरे स्कूल में रूमर्स थे कि वो हॉन्टेड है। मैं और देवेश अपनी मस्ती में एक्टिविटी रूम वाले कॉरिडोर में चले गए और भूत वगैरह की आवाज़ें निकालने लगे। देवेश एक्टिविटी रूम की तरफ पीट करके खड़ा था, जब मुझे लगा जैसे उस एक्टिविटी रूम के दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया है। मैंने देवेश को यह बताया तो वो मेरा मजाक उड़ाने लग गया। तभी मुझे एकदम से फील हुआ कि मेरे पीछे से कोई फ्लैश की तरह निकला। मैंने और देवेश ने जितनी देर में नज़र घुमाई उतनी देर में कोई एक्टिविटी रूम के अंदर घुस रहा था। अब हमें उसकी शक्ल तो नहीं दिखी, पर वो जो भी था बहुत पेल सा था, एकदम शैडोई सा। अब मैं और देवेश एकदम शांत से हो गए, हमने एक लुक शेयर किया और फिर उस दरवाजे की तरफ थोड़ा आगे गए। सच्ची बोलूँ तो अब भी मेरे को हल्का हल्का सा डर लगने लगा था। थोड़ा आगे जाते ही हमको एक अजीब सी आवाज़ आई, तब देवेश भी थोड़ा सा डर गया। दरवाजे पे ताला लगा हुआ था, शायद वो एक्टिविटी रूम सालों से नहीं खुला था। हमने हिम्मत करके नॉक किया, आवाज़ भी लगाई, पर कुछ हुआ नहीं, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। देवेश ने मुझे बोला कि रूम के सामने 8th क्लास है, उसकी खिड़की से देख, शायद दिख जाए अंदर कौन है। तो मैं और देवेश उस क्लास में गए और उसकी खिड़की से एक्टिविटी रूम के अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। अब इस पॉइंट पे ना बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी और अंधेरा सा भी हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कुछ क्लियरली नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक से बिजली कड़की और मेरी तो भाई दिल ऐसा ना दिल दहल गया मेरा। रूम में पंखे से एक बच्चा लटका हुआ था, उसकी ऐसे आंखें बाहर आ रखी थी, उसकी बॉडी नीली पड़ी हुई थी और उसका मुंह मेरी तरफ था। मैं लिटरली इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा और देवेश को ऐसा भाई पकड़ लिया मैंने, देवेश को कुछ नहीं दिखा। लेकिन मेरी हालत देख के उसकी भी हालत ख़राब हो गई। हमने डिसाइड किया कि नीचे जाके किसी टीचर को बताते हैं। तो हम अपनी क्लास टीचर को लेके एक्टिविटी रूम के पास गए और उसका ताला खुलवाया। जब मैम ने दरवाज़ा खोला तो अंदर नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैम ने हमें इतनी गंदी लुक दी, उनको लगा हम उनके साथ मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें डांट दिया और उसके नीचे चली गई। अब उस कमरे की नॉर्मल सी हालत देखकर तो हमारे ऐसे ना होश उड़े पड़े थे। हम जाने ही लगे थे कि एक्टिविटी रूम का दरवाज़ा ऐसा फट करके एकदम से बंद हुआ, शायद हवा हवा की वजह से हो सकता है, पर हमारी फट चुकी थी और हम इतनी तेज़ वहाँ से भाग के निकले। इसके बाद 3-4 दिन तक तो देवेश स्कूल नहीं आया एंड मैं भी इतना डरा पड़ा था, पर मम्मी ज़बरदस्ती स्कूल भेजती थी। आज भी मैं वो दिन याद करता हूँ ना तो ऐसा कांप जाता हूँ, पर समझ ही नहीं आता कि उस दिन हमारे साथ जो भी हुआ था वो था क्या, कौन बच्चा था वो जो लटका हुआ था, और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने सच में कुछ देखा भी था या फिर सिर्फ मेरा वहम था, पता नहीं। व्हाट डू यू गाइस थिंक? तो ये थी मेरी बहुत ही ज़्यादा सीरियस स्टोरी टेलिंग।
आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो. इफ यू डिड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू खूनी मंडे. यार ये लोग एनिमेशन में नेक्स्ट लेवल है. मे बी सून दे विल डू एन एनिमेटेड वीडियो फॉर माई चैनल ऑल्सो. सो चेक आउट स्टोरी टाइम वीडियोज ऑन माई चैनल ऑल्सो. एंड बेल वाले आइकन को दबा देना. लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो सब होता है सब कुछ कर देना. खूनी मंडे विल बी बैक अगेन विद अनदर वीडियो. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.